हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक एंड ट्रिकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली एलिवनस यूजर्स के लिए है। अगर आपने मेरी पिछली कोई वोल्टे वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि जो एलिवनस में वोल्टे इनेबल होता है वो टेम्पररी होता है। अगर आप फोन को ऑफ करके ऑन करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, तो जो वोल्टे की आइकन होती है HD की आइकन, वो चली जाती है और आपको इंजीनियरिंग सेटिंग वापस दोबारा करना पड़ता है, फिर जाके वोल्टे इनेबल होता है। और ये हर रिबूट पे होता है, हर रिस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा, जो वोल्टे है वो परमानेंट हो जाएगा। जो HD की आइकन आती है वोल्टे के बाद, वो परमानेंट हो जाएगा, आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई ऑटोमेशन का ऐप नहीं यूज करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। आपको केवल इंजीनियरिंग सेटिंग में कुछ सेटिंग्स करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं फ्रेंड आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा एलिवनस में वोल्टे इनेबल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाके आपको देखना है यहाँ पे आपका जो UI वर्जन है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं UI वर्जन 5.9026S स्टेबल वर्जन है, वैसे ही आपका भी वर्जन होगा कोई, जैसे 5.8019S, जो भी वर्जन हो। सभी वर्जन के लिए मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपके वर्जन के हिसाब से मैंने जो वीडियो बनाया उसे देख के आप अपने एलिवनस में वोल्टे इनेबल कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आप HD के आइकन देख सकते हैं, ऊपर है HD का आइकन है ऊपर, मतलब कि इसमें वोल्टेज इनेबल है। आपको मैं कॉल करके भी दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब फ्रेंड इसमें वोल्टेज इनेबल है। अब चलिए मैं फोन को रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका जो HD का आइकन है वो चला जाता है या रहता है। तो मैं चलिए इसको रिस्टार्ट करता हूँ, फोन को रिस्टार्ट। मैंने इसका बूट लोगो चेंज किया है, अगर आपको भी चेंज करना है तो ऊपर आपको एक सजेशन वीडियो आ रहा होगा, उसको देख के आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड ऊपर HD का आइकन नहीं आया है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में, जैसे ही नेटवर्क आता है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा HD का आइकन। देखिए HD का आइकन आ गया, मैंने अभी फ़ोन को ओपन भी नहीं किया है तो वहाँ पे HD का आइकन वापस आ गए, मतलब कि HD की जो आइकन है, जो वोल्टेज इसमें इनेबल किया था वो रिमूव नहीं हुआ। ये आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंजीनियरिंग सेटिंग खोलना है, *#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 ##*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 #
आपको IMS पे सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद कॉल पे सिलेक्ट करना है और इसमें जो सेकंड वाला है उस पर सिलेक्ट करना है और इसमें फर्स्ट और थर्ड को अनसेलेक्ट कर देना है, तो उसको अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेट सक्सेसफुल पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद कॉमन पे जाना है। कॉमन में फिर ऑपरेटर कोड, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे ऑपरेटर कोड में आपको मैं हमेशा बताता था वीडियो में RGL पे सिलेक्ट करना है, लेकिन RGL पे सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सबसे नीचे यहाँ पे फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन होगा, वोल्टे ऑपरेटर फ्री टेस्ट, उस पर सिलेक्ट करके सेट पे सिलेक्ट कर देना है। याद रखिएगा फ्री टेस्ट पे सिलेक्ट करना है। फिर बैक करिएगा, अब MNC MCC चेक पे सिलेक्ट करके ऑफ पे सिलेक्ट करके सेट कर दीजिएगा। जैसे ही सेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका HD का आइकन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप ऑफ सेलेक्ट करके सेट करिएगा तब HD का आइकन ऊपर आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा यहाँ पे HD का आइकन इतना करने के बाद भी। वो फ्रेंड इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका जो जियो का सिम है वो रोमिंग एरिया में है, मतलब रोमिंग में है, तो आपको पहले IMS रोमिंग ऑन करना पड़ेगा तब जाके HD का आइकन आएगा। तो सबसे पहले आपको वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन की बटन है इस पर क्लिक करना है और इसमें थोड़ा सा नीचे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा IMS रोमिंग मोड, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें आपको इनेबल करना है, जैसे मैंने इनेबल कर रखा है। इनेबल करके सेट कर दीजिएगा, सक्सेसफुल आएगा
और फिर उसके बाद HD की आइकन आ जाएगी, और इसके बाद अगर अपने फ़ोन को आप रिस्टार्ट करेंगे तो जो आपकी वोल्टे की आइकन है वो नहीं जाएगी, मतलब ये परमानेंट वोल्टे हो गया। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको इसमें जितनी मैंने सारे स्टेप्स बताया वो सब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके उसको लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक पर जरूर क्लिक करिएगा।